Hello everyone, welcome to Top Opens. Today we will discuss the question answers of chapter Underground. The explanation link of this chapter and poem is mentioned in description below. You may check the link through playlist also. So first question is, who explores down below the earth's floor? The poet James Reeves explores down below the earth's floor. Explain quarrying ants. Ants dig tracks in the ground and run to and fro. Ants are always busy in cutting the rocks and ground to other and ground to obtain other materials. Question number 3. Why are the colonies of ants called populous empires? By populous empires, the poet is referring to crowded colonies of ants that live below the ground. Question number 4. Explain folk और स्पेड इंट्रूड्स का मतलब ही होता है दखल अंदाजी करना, किसी के लाइफ में जाके घुसना, दखल अंदाजी करना, बिन बुलाए चले जाना. फोक एंड स्पेड आर मोस्टली यूज टू डिग द अर्थ फॉर वेरियस पर्पसेस. फोक और स्पेड जो होता है, फावड़ा, ये सब, तो ये सब खुदाई करने के पर्पस के लिए काम आता है. दीज टूल्स कुड एक्सीडेंटली वेज इन टू द होम्स ऑफ क्रिएचर्स लिविंग अंडरग्राउंड. तो गलती से कभी कभी एक्सीडेंटली ये जो हम लोग फावड़ा, ये जो कुल्हाड़, ये से मिट्टी खोदने का जो ये सब यूज़ करते हैं टूल्स, ये सब गलती से ज़मीन के अंदर रहने वाले जो क्रिएचर्स हैं, जीव जंतु हैं, उनके घर को भी हम लोग तोड़ देते हैं. तो इस तरह से ये टूल्स जो है इंट्रूड्स का काम करता है, इंट्रूड का काम करता है. लिस्ट फ्यू मार्वेलस थिंग फाउंड अंडरग्राउंड. रैबिट, मोल्स, एंट्स एंड मैनी अदर क्रिएचर्स फाउंड अंडरग्राउंड. वाई इज़ द प्लेस अंडरग्राउंड कॉल्ड country of the dead? The place underground called the country of the dead because the creatures living below the ground often die there. A3 extract is given on which questions has been asked. The extract is, do they, as I passed overhead, stop in their work to hear my tread? अगर आपने poem अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि ये poem में किसने कहा है और किसके लिए कहा है. ठीक है, तो हु आर दे इन दिस लाइन. यहाँ पे दे जो है, यहाँ पे दे किसके लिए यूज किया गया है. डू दे, क्या वो लोग. एज आई पास ओवरहेड, जब हम लोग ऊपर से पास होते हैं तो क्या उनको डिस्टर्ब होता है, तो उनको किसको डिस्टर्ब होता है, वो अंदर रहने वाले जो एंट्स और क्रिएचर्स हैं उनको कहा गया है. दे रेफर टू एंट्स एंड क्रिएचर्स लिविंग अंडरग्राउंड. वॉट वर्क दे डूइंग, क्या वो लोग वर्क कर रहे थे. दे आर कटिंग रॉक्स एंड मूविंग टू एंड फ्रो. वेयर आर दे, वॉट इज मिंट ओवर हेड. वो जो दे जिनको बोला गया है, क्रिएचर्स को या एंट्स को, वो कहाँ रहते हैं. और ओवर हेड का मतलब क्या हो रहा है. ओवर हेड का मतलब ही होता है ऊपर, जस्ट उसके ऊपर, हेड के ऊपर. दे आर लिविंग अंडरग्राउंड. ओवर हेड मीन्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड जस्ट अबव द अंडरग्राउंड क्रिएचर्स. हम लोग क्रिएचर्स के जस्ट ऊपर हैं. डाउनवर्ड द ब्रांचिंग ट्री रूट्स स्प्रेड इन टू द कंट्री ऑफ द डेड. ये भी एक्सट्रैक्ट लिया गया है पोएम से, आपको अच्छे से पता होगा. आपने अगर पोएम एक्सप्लेनेशन मिस किया है तो ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में जाकर के, और आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ. और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक दीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी कीजिए. इस पे क्वेश्चन पहला है, वेयर डू द रूट्स ऑफ द ट्री स्प्रेड. द रूट्स ऑफ द ट्रीज स्प्रेड अंडरग्राउंड डीप इनसाइड द अर्थ. हैव यू सीन रूट्स ग्रोइंग अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. क्या आपने रूट्स को अर्थ के सरफेस के ऊपर ग्रो होते हुए देखा है. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें थोड़ा सा समझना होगा. पोएम में जो दिया गया है उसमें सिर्फ ये बताया गया है पोएम के अनुसार कि रूट्स जो है वो अंडरग्राउंड ही जाता है. लेकिन आप लोग ध्यान दिए होंगे, बनियान ट्री जो होता है उसके पास एरियल रूट्स भी होते हैं, तो एरियल रूट्स जो होता है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर भी रहता है. तो मैंने ये बात भी मेंशन किया है. आप चाहें तो नो भी लिख सकते हैं पोएम के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों बातें लिखनी चाहिए. रूट्स जनरली ग्रोज इनसाइड द अर्थ. रूट्स तो जनरली इनसाइड अर्थ के इनसाइड ही ग्रो होता है, मिट्टी के अंदर ही ग्रो होता है. लेकिन बट एरियल रूट्स, जो एरियल रूट्स जिनको कहते हैं, जो हवा में लटकते हैं, जैसे बरगद के पेड़ के रूट्स, एरियल रूट्स ऑफ द बनियान ट्रीज ग्रोज अबव द अर्थ सरफेस. लेकिन वो जो रूट होता है बनियान का ट्री का, वो ऊपर भी होता है. ठीक है,
Where is the country of the dead? It is deep below the earth's surface where creature dies and buried. Think and answer. Why is there no light and little sound under the ground? Light and sound cannot reach below the earth's surface and there is dark and quiet inside the earth. Quiet ka matlab ekdam shant. Quiet. Do you think it is warm beneath the soil or is it cold? ये सब थिंक एंड आंसर का क्वेश्चन है. आपको जैसा लगता है आप वैसा क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि मेरा ही वाला कॉपी करना है आपको. आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है. आप मेरे वाले से हेल्प लेकर के या खुद का भी लिख सकते हैं बना के, ठीक है. आई थिंक इट इज़ कोल्ड बीनीथ द सॉयल बिकॉज देयर इज़ नो लाइट प्रेजेंट देयर एंड देयर इज़ अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो विच मेक्स द सॉयल कूल. मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अंडरग्राउंड जो सॉयल है, अंडरग्राउंड जो अर्थ है, वहाँ पे थोड़ा ठंडक होगा, मॉइस्चर होगा, क्योंकि अंडरग्राउंड में वाटर भी होता है और बाहर का सनलाइट या लाइट अंदर जा भी नहीं पाता है, तो हॉट तो नहीं होगा ज़्यादा. लेकिन अगर साइंस में जाके अगर पढ़ेंगे या फिर जियोग्राफी में आगे हायर क्लासेस में जब पढ़ेंगे तो बहुत अंदर में हीट भी होता है, ठीक है. खैर वो अलग पार्ट है, लेकिन अभी हम लोगों को यही देखना, इसी पर ध्यान देना है. वॉट हैज़ बीन लाइकेंड टू अर्थ जाइजेंटिक बोन्स वाई. डीप बरीड रॉक्स एंड स्टोन्स आर काइंड ऑफ like gigantic bones because of their hardness just like the bones. वैल्यूएट आंसर का भी आंसर मैंने कर दिया है आप सबके लिए. आप चाहें तो इसमें सुधार कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है. आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं. ह्यूमन बींग्स यूजअली इंट्रीड, मतलब इंट्रीड का मतलब होता है इंटरफेयर करना. ह्यूमन बींग्स यूजअली इंट्रीड अपॉन द होम्स ऑफ अदर क्रिएचर्स एंड डिस्टर्ब देयर लाइफ. ह्यूमन बींग जो हम इंसान हैं, हम लोग ज़्यादातर इंटरफेयर करते हैं बाकी जो जीव जंतु हैं उनके लाइफ में, और उनके लाइफ को हम लोग डिस्टर्ब करते हैं. वी शुड प्रोटेक्ट एंड कंजर्व अदर क्रिएचर्स बाय द फॉलोइंग वेज. हम लोग दूसरे जो जीव जंतु हैं उनके लाइफ को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व भी कर सकते हैं. किस तरह से? ये फॉलोइंग वेज से. तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, आपको अगर और भी पॉइंट्स आता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिल पाए और मुझे भी पता चल पाए. तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है इनके हेल्प के लिए, वी शुड प्रोवाइड देम फूड एंड वाटर. हम लोगों को जीव जंतु को, जानवर को खाना और वाटर जहाँ तक संभव हो सके देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए. वी शुड हेल्प देम व्हेन दे आर सिक और इंजियर्ड. कभी भी हम लोग अगर कोई एनिमल को, कोई क्रिएचर को अगर सिक, बीमार देखते हैं या इंजियर्ड देखते हैं, किसी को चोट लग गया है, कोई कुत्ते को, बिल्ली को, कोई भी पेट को या कोई भी जानवर को, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उसका हेल्प करें, ठीक है. वी शुड नॉट इंटरफेयर इन देयर लाइफ. हम लोगों को उनके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. जनरली आजकल मोबाइल उठा करके सब कोई वीडियोग्राफी करने लगते हैं, चिड़िया के घोंसले में वीडियोग्राफी कर रहे हैं, मंकीज़ खेल रहे हैं, उनका वीडियो बना रहे हैं, तो उन लोगों को डिस्टर्ब होता है. उन लोगों को ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए, उन लोगों को छोड़ देना चाहिए, वो लोगों को फ्रीली रहने देना चाहिए, उनको डिस्टर्ब ना करें. वी शुड नॉट टॉर्चर देम और यूज देम टू कैरी लोड्स एंड हार्ड वर्क्स. तो हम लोग उनको टॉर्चर भी करते हैं, जैसे धोबी जो है गधे को कितना खटाता है, कितना काम करवाता है, तो ओवर जो काम करवाया जाता है वो टॉर्चर ही करते हैं हम लोग उसको. ह्यूमन बींग जो है एनिमल के साथ टॉर्चर करता है, तो हम लोगों ऐसा काम नहीं कराना चाहिए उनसे. वी शुड नॉट हंट और किल देम. हम लोगों को उनको शिकार नहीं करना चाहिए. तो यहाँ पे ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ख़त्म होता है. कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.